अरे अजीत, विक्टर से कोई बात हुई? हाँ वो कल सुबह की फ्लाइट से आ रहा है। अजीत इधर। अनिल कब से तुम्हें फोन कर रहा है, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ये ले फोन पे है वो, बात करो उसे। विजय इनसे बात की आज? हाँ सुबह की थी, उसने मीटिंग फिर से डिले कर दी, अब कल जाना होगा फाइनल वेरिफिकेशन के लिए। यार चार दिन जाने में बचा और अब तक कल किए जा रहा है। अच्छा अभी चलो नीचे आओ, चलो मेरे साथ, बॉडी के लिए आइस लाना है। मुंबई का मौसम तो बिल्कुल बेकार है। जब हम दिल्ली में रहते थे ना, तो साल में कम से कम 4 महीने तो ये कपड़े इस्तेमाल होते थे, और यहाँ यहाँ तो सिर्फ ठीक से बारिश ही होती है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, अब भैया को ट्राई करने दे। बेकार का टाइम वेस्ट मत कर, छत पे जा और कपड़े लेके आ, बारिश कभी भी आ सकती है। तो सुनता क्यों नहीं है मेरी बात, जाना। दादी आप क्यों इसके पीछे पड़ी हो? स्वीडन में इतनी ठंड होती है, ये किसी काम का नहीं रहेगा। अरे बेटा जब मैं दिल्ली में तेरे दादाजी के साथ रहती थी तो ऐसा स्वेटर ही काम आता था। और तू कहीं भी चला जा, दिल्ली से ज्यादा ठंड नहीं हो। माँ वो पाओजी का कोट हुआ करता था ना, जिसे वो जर्मनी में पहना करते थे। हाँ क्या हैंडसम लगते थे उसमें। कहाँ है वो कोट पता है आपको? क्यों यहाँ नहीं मिला? नहीं दिख तो नहीं रहा है। पता नहीं कहीं और रखा होगा। किसी काम का नहीं है लड़का, कब से कह रही हूँ सुनता ही नहीं। तुम्हारे लिए मैंने कपड़े साइड में कर दिए हैं, कल जाके ड्राई क्लीनर को देके आ। हाँ माँ कल तो मुझे एयरपोर्ट से विक्टर को पिकअप करना है और वीजा एजेंट से भी मिलना है, ड्राई क्लीनिंग वाला काम प्लीज अरविंद को दो ना। अरे अरविंद को मैं एयरपोर्ट भेज दूंगी, गाड़ी मिलेगी ना तो कम से कम एक काम अच्छी तरह से करेगा वो। बेचारी मिस गोंसाल्विस विक्टर का इंतजार करते करते चली गई, वो भी तो साल में 2-4 दिन ही आता था। अब तू भी बाहर जा रहा है, पता नहीं तुम्हें कब देखूंगी। होने की तरह मैं भी चली जाऊंगी। ऐसे मत सोचो, मैं भी तो वहां अकेला रहूंगा, मेरा मन कहां लगेगा। और जब बहुत बोर हो जाऊंगा तो आ जाऊंगा ना तुम्हारे पास।
ये कुछ बैंक के पेपर्स हैं, कल सुबह तक साइन कर देना। माँ आप भी थक गया बेटा? हाँ बस थोड़ा सा, कल सुबह उस वीजा एजेंट वाले को भी कॉल करना है। भैया आप शादी कर लो। क्यों? देखो ऐसे चिंता करते करते आपके बाल तो सफेद हो ही जाएंगे, फिर कोई बुढ़िया ही मिलेगी आपको। मैं तो जा रहा है ना, तो जा। वैसे माँ, भैया के लिए शोभा आंटी के बारे में क्या ख्याल है? उनकी भी उम्र हो गई है। अरविंद की ली हुई फोटोग्राफ्स देखिए, काफी अच्छी ले रहा है आजकल। ठीक है। अरे यार 3 दिन बचे हैं जाने के लिए, और तुम अभी कह रहे हो कि आराम से हो जाएगा। कर दो ना यार, परसों तक मिल जाएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। थैंक यू। अजी, अरे विक्टर पहुंच चुका है, जल्दी कर, वो फ्यूनरल शुरू होने वाला है। अनिल, मेरे कलीग हैं, उनके एक रिलेटिव है मिस्टर जोशी, सो ही इज प्लानिंग टू कम डाउन टू बॉम्बे अलॉन्ग विद हिज फैमिली। कब? नेक्स्ट मंथ मोस्ट प्रोबेबली। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि उनको यहाँ शिफ्ट करा दूँ जल्दी से जल्दी। यहाँ पर? हाँ। अरे नो देम पर्सनली बाबा। ठीक है, एक ही और करते हैं। और ये सब कोऑर्डिनेट करने के लिए तुझे मेरी मदद करानी पड़ेगी। हाँ हाँ ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं सब देख लूँगा। विक्टर, कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा होता, पता नहीं अब तुम्हें फिर कब देखने को मिलेगा। आंटी अब मन तो मेरा भी बहुत था, लेकिन क्या करूं, काम है। हो सकेगा तो मैं अगले साल जरूर आऊंगा। ठीक है। अच्छा मिस्टर जोशी को अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तू देख लेना। आई मीन उन्हें घर में से जो भी सामान यूज करना हो ही कैन, और जिस चीज की उन्हें जरूरत ना हो उसे हम ऑक्शन करवा देंगे, अब वो घर की मेंटेनेंस के लिए यूज कर लेंगे। ठीक है भैया। ऊटी में एक फोटोग्राफी कॉलेज है, इट सीम्स रियली नाइस, मैं सोच रहा हूँ अगले साल अप्लाई करूँ। करो करो, लेकिन अभी अनिल भैया के सामने मत बोलना, हंगामा करेंगे वो। ऐसा करो ना, उनको बोल देना इंजीनियरिंग करने जा रहा हूँ। हाँ और फिर बाद में आप ही संभालना उनको। मैं क्यों भाई, तुम संभालो। बेटा जरा सीधा हो, नाप लेने तेरे। वाह कितना अच्छा लग रहा है। दादी 3 दिन में फ्लाइट है, मुझे लगता नहीं है आपका ये स्वेटर तैयार होने वाला है। हाँ तुझे बड़ा पता है, अब तो मेरे हाथ कमजोर हो गए हैं, नहीं तो तेरे दादाजी के लिए झाड़े में मैं 2-2 दिन में स्वेटर तैयार कर लेती थी। जब आप लोग दिल्ली में रहते थे तब? अरे नहीं, जब जर्मनी में रहते थे तब। फोटो खींच रहे स्वेटर के साथ। स्वेटर अच्छा लग रहा है। मैंने तेरे दादाजी के साथ बर्लिन में बहुत अच्छा समय बताया, वहाँ की गोरियाँ ना तेरे दादा को बहुत पसंद करती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने तो उन्हें साफ साफ बता दिया कि हर वो एक गोरी जिसके साथ वो दोस्ती करेंगे उसके बदले मैं 4-4 गोरों से दोस्ती करूँगी। फिर देखते ही नहीं तो उनकी तरफ। अरे यार क्या कल किए जा रहे हो यार, परसों की फ्लाइट और अब तक वीजा हाथ में नहीं आया।
यार देख लो, अगर शाम को घर दे जाओगे तो ठीक है, अगर मैं ऑफिस आ गया ना तो बुरा होगा फिर। नहीं तुम, या तुम समझ लो, सोच लो। ठीक है ना? अरे सुनो तो, मेरा क्या मतलब है? ये ड्राई क्लीनर की रसीद तो लेके जाओ। हाँ वहीं से फेंक दो। हाँ हाँ देती हूँ, ये लो। मैं तेरे को समझा रहा हूँ, तेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तो मैं मजाक कर रहा हूँ यहाँ पे। आइए, मैं सोच ही रहा था आप आने वाले हो गया। हाँ अच्छा, उस दिन जब आप कपड़े देने आए थे तो मेरे पिताजी आपको बुला रहे थे। अच्छा क्यों? आप दो मिनट रुके, मैं उनको लेके आता हूँ। तुम संजीव शर्मा के बेटे हो? नहीं, वो मेरे दादाजी थे। हाँ मुझे पता था। जब मैंने देखा तभी मुझे लगा। ग्यारह सौ अस्सी। ये लो, तुम्हारे दादाजी छोड़ गए थे, वापस लेने नहीं आए। दादाजी का जर्मनी वाला कोट। तीन सौ सत्तर। ओमकार बर्वे। हाँ ये भी हमारी कॉलोनी में रहते हैं। बहुत सारे लोग रोज यहां आते हैं और अपने कपड़े देखकर जाते हैं। कुछ लोग तो अपने कपड़े वापस लेना ही भूल जाते हैं। मेरे स्टोरेज में ऐसे बहुत कपड़े हैं। उम्मीद रखता हूं सालों बाद भी कोई आएगा और अपने कपड़े ले जाएगा। तुम दोनों यहां आए, अच्छा लगा। बस दो तीन साल की बात है माँ, और हर साल में एक बार तो घर आऊंगा ही ना। तू उधर क्या खड़ा है? इधर आ। आ सीरियसली? बस खराब मत करना। क्या हो रहा है? तुम ही दोनों ने बिगाड़ के रखा है इसको। ये क्या मतलब? मुझे भी तो आने दो। आओ दादी। ये हुई ना बात। खुश रहो बच्चे।